10 मार्च 2021 ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिला। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी में कुछ और ही फैसला लिया गया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि उत्तराखंड में विधानसभा जो होने हैं, यानी कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है, कम से कम उस वक्त तक तीरथ सिंह रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन तीरथ सिंह रावत की ओर से एक के बाद एक ऐसे बयान आने लगे कि सब कुछ उल्टा होता गया। जो कयास बाद में लगाए जा रहे थे, हुआ भी कुछ वैसा ही। मार्च में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत अपने काम को लेकर कम और अपने विवादित बयानों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहे। कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज चैनल हो, या फिर अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स को आप देख लीजिए, तीरथ सिंह रावत की चर्चाएं खूब हो रही थी, क्योंकि इनके बयान एक से एक आ रहे थे। अब बयान ऐसे दे रहे थे जिससे खुद की फजीहत तो करा ही रहे थे, लेकिन फजीहत इसके साथ ही साथ बीजेपी की भी हो रही थी। और बीजेपी को भी अच्छे से पता है कि साल 2022 में अगर उत्तराखंड में चुनाव जीतना है तो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। खैर, हम बात कर रहे हैं आज तीरथ सिंह रावत के उन विवादित बोल की जिसे लेकर वो सुर्खियों में रहे। इन्हीं में से सबसे पहले नंबर आता है जो कि काफी चर्चित हुआ था, वो है महिलाओं की फटी हुई जींस वाला बयान। आपने शायद सुना होगा, और अगर नहीं सुने हैं तो आपको हम सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं। जहाज में जब बैठा था तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तो सोचिए, महिलाओं की जीन्स, महिलाओं के जूते, उनके पहनने का, उनके हाथ में क्या कुछ पहना है, उन्होंने कलाइयों में क्या कुछ पहना है, इन सब से तय होने लगा है कि वो महिला अपने बच्चों को संस्कार कैसे देगी। खैर, यहीं पर अगर तीरथ सिंह रावत रुक जाते फिर भी सुकून था, लेकिन रुके नहीं। सीएम बन चुके थे, सीएम बनने के बाद इन्होंने ये सबसे पहला विवादित बोल दिया। अच्छा, ये बयान जो है ये 17 मार्च 2021 को दिया गया था, यानी कि सीएम बनने के ठीक 7 दिन के बाद इन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी महिलाओं को लेकर की थी, जिसके बाद खूब हो हल्ला हुआ था, बहुत ज्यादा तीरथ सिंह रावत की फजीहत हुई थी। इसके बाद एक और ऐसा बयान इन्होंने दिया जिसे सुनने के बाद आधे लोग तो सर पकड़े। वो बयान क्या है आपको हम सुनाते हैं। 130-135 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। भलाई इसी में होती है कि अगर चीजें ना पता हो तो चुप रहा जाए, लेकिन अधूरा ज्ञान जो है वो देकर लोगों को ना बरगलाया जाए, लोगों को कंफ्यूज ना किया जाए तो ज्यादा सही रहता है। ये दो बयान आपने सुने। तीसरा एक और बयान था जिसकी खूब ज्यादा आलोचना हुई, बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ। दरअसल ये बयान राशन वितरण को लेकर था। तीरथ सिंह रावत एक तो एक तरफ अपनी वाहवाही कर रहे थे, वही कुछ लोग जो उन पर सवाल उठा रहे थे कि राशन कम मिल रहा है, उस पर भी इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिससे खुद ही फंस गए। घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया, जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया, इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काई का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए?
एक तो जनसंख्या की समस्या ऐसे ही है, उसके बाद तीरथ सिंह रावत ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो समझ ही में नहीं आता है कि आखिर इसका बेस है क्या। छोड़िए, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत की, तो ऐसे बयान एक दो तीन ही नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। कई प्राइवेट न्यूज चैनल को इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनने के बाद आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। देखिए, कोरोना काल में कुंभ का आयोजन किया गया, कुंभ मेले का हरिद्वार में, वहां उसे लेकर भी खूब आलोचना हुई तीरथ सिंह रावत की। इसके अलावा एक बार तो तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी को भगवान भी बता दिया। खैर, बहुत सारे बयान तीरथ सिंह रावत के रहे हैं जो कि काफी ज्यादा हमेशा निशाने पर रहे हैं। विरोधी इन बयानों को लेकर हमेशा निशाना साधे हैं और विवादित भी ये बयान रहे हैं। खैर, काम अगर किए होते तो शायद ये नौबत ना आती जो आज आई।